ओके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्सिज एंड एप्साइडल डिस्टेंस। ओके सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एप्स। एन एप्स इज ए पॉइंट इन ए सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर drawn from the center of force to the point has a max or min value, has a maximum and minimum value। ध्यान से देखना बेटा, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी संकेंद्र कक्षा में, उसके बाद आपको समझा दूंगा मैं, किसी सेंट्रल ऑर्बिट में एप्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट लाइन बल केंद्र से बल केंद्र बोले तो सेंटर ऑफ फोर्स बल केंद्र से जाने वाली ध्रुवांतर रेखा बोले तो रेडियस वेक्टर के लंबवत होती है। एक बार फिर बता रहा हूँ, सेंट्रल ऑर्बिट मेरे पास एक्चुअली में क्या होता है और कैसे होता है। किसी सेंट्रल ऑर्बिट में एप्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर टेंजेंट लाइन सेंट्रल फोर्स से जाने वाली ध्रुवांतर रेखा के परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत होती है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मेरे पास एप्स होता है, समझने की कोशिश करना बेटा। सपोज दैट ये मेरा कोई वाई एक्सिस है, ये मेरे पास कोई एक्स एक्सिस है। ओके मान लिया मेरे पास कोई कर्व ऐसे है, आप ये समझो, मान लिया ये मेरे पास सेंट्रल ऑर्बिट का कोई कर्व है, क्लियर। जाहिर सी बात है इस कर्व के ऊपर कोई बिंदु P है, मान लिया मैंने ये पॉइंट P मान लिया R कोमा थीटा, और यहाँ से ये हुआ मेरा रेडियस वेक्टर, क्लियर। मैं कहना चाह रहा हूँ सेंट्रल ऑर्बिट में एप्स एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर टेंजेंट लाइन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो इस वाले पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, सेंट्रो फोर्स बोलता हूँ ना, सेंट्रो फोर्स।
ये वाला पॉइंट मेरा क्या होता है रे, सेंट्रो फोर्स यानी पावर इस तरफ लगी हुई है। अगर इस कर्व के ऊपर मैं एक टेंजेंट लाइन डालूँ, मान लिया मैंने यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ये डाली, तो कहना चाह रहा है कि ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो मेरे पास रेडियस वेक्टर है आर और ये पॉइंट मैंने सेंटर ऑफ फोर्स ओ मान लिया, ये जो रेडियस वेक्टर है और ये जो टेंजेंट टी टी डैश डली हुई है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बल केंद्र से जाने वाली ध्रुवांतर रेखा के लंबवत हो, अर्थात ये वाला एंगल जो है ना 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, यानी ये जो रेडियस वेक्टर है, इसके ऊपर अगर वक्र के ऊपर मैं टेंजेंट डालता हूँ, सेंट्रल ऑर्बिट वाल का जो वक्र है अगर उसके ऊपर टेंजेंट डालता हूँ, तो वो जो है ध्रुवांतर रेखा के एकदम लंबवत होनी चाहिए, यानी ऐसे होनी चाहिए। क्लियर, समझ आ चुकी बात। आगे की तरफ चलता हूँ। अगले वाला टॉपिक है एप्साइडल डिस्टेंस। एप्साइडल डिस्टेंस ध्यान से सुनना बेटा। द डिस्टेंस ऑफ द एप्स फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स इज नोन एज एप्साइडल डिस्टेंस। ओके, फिर समझने की कोशिश करना, दोबारा से फिर बताऊंगा एप्स क्या होता है और एप्साइडल डिस्टेंस क्या होती है। मान लिया जाए किसी कर्व के लिए मेरे पास सेंट्रल ऑर्बिट ये है। ओके, आपको भी पता है इलिप्स है, सेंट्रल ऑर्बिट है, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, ध्रुव है, पोल है ओ। यहाँ से मैंने रेडियस वेक्टर डाला, ये मेरा रेडियस वेक्टर हुआ। ओके, अगर मान लिया इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है जिसका जिसकी डायरेक्शन ओ की ओर है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको मैं बोलता हूँ सेंटर ऑफ फोर्स। क्लियर, ये जो ध्रुवांतर रेखा है, अगर मैं यहाँ से इस वक्र के ऊपर एक टेंजेंट लाइन डालता हूँ जो इसके परपेंडिकुलर हो, ओके, मैंने एक लाइन डाली, लाइन डालने के बाद ये जो मेरे पास रेडियस वेक्टर है ओ पी, ये जो इसके ऊपर टेंजेंट लाइन है ये इसके हमेशा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, बोले तो ये वाला एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री का हो, तब ये वाला पॉइंट पी जो है इसको तो मैं बोलता हूँ एप्स। और ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इस दूरी को मैं बोलता हूँ, ये वाली दूरी इसको मैं कहूँगा एप्साइडल डिस्टेंस। एप्साइडल डिस्टेंस, क्लियर। फिर कह रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन द एप्स, एप्स तो ये बना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स मेरा ये हुआ, यानी मेरे पास ओ पी जो डिस्टेंस होगी, बोले तो ओ पी इज इक्वल टू, मेरे पास अगर रेडियस वेक्टर ये आर है और ये एंगल थीटा है, तो ओ पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू मेरे पास होगा एप्साइडल डिस्टेंस। क्लियर, आपका अगर कोई डाउट हो, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, समझ आ चुकी बात, चलो बाय।